तब थोड़ा डर लगा जब शूज नहीं मिला और उनका हाथ देखा और उनका नेक देखा तो ऐसा लगा कि कोई पंच ना लैंड हो. Mike Tyson still did, in spite of retiring from the ring for so many years, he's still known as the baddest man on the planet. ये टैग है बॉक्सिंग रिंग में, लोग जानते भी है. ये काफ़ी एक फोकलोर वाली कहानी है कि लड़ते वक्त उन्होंने अपने अपोनेंट का ईयर भी काटा था. So, first time, Vijay and Ananya, both of you, I'm hoping that you have some scenes. Yes. Yes. So, first time facing him, did you feel कि भाई मुझे भी अपना ये ना सारे पुर्जे वगैरह सब सही सलामत रखना है, क्या होगा मेरे साथ? उन्होंने मेरे हाथ पे ऐसे सिर्फ, मेरे कंधे पर सिर्फ हाथ रखा था ना, I swear I fell, क्योंकि उनका हाथ इतना भारी था. सही में 2.5 किलो का हाथ. हाँ, फुल 2.5 किलो का हाथ था. पहले डरी हुई थी, ऑफ कोर्स आई थिंक यू वर आल्सो लिटिल स्केयर्ड कि कैसे जाएगा, यू नो कैसे होंगे वो, पर ही वाज वेरी स्वीट, ही वाज लाइक ऑन जेंटल जायंट, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर फ्रेंड्स. बर्थडे मैसेजेस विल कम डाउन. विजय व्हाट अबाउट यू, बिकॉज़ आपके साथ उनके साथ आपके फाइट सीन्स भी होंगे. हां, सो डेफिनेटली नर्वसनेस मस्ट हैव बीन ऑन अ होल डिफरेंट लेवल. हाउ डू यू फाइट इट, इवन दो इट इज not real but still, how do you fight with Mike Tyson? जब सुबह मैं सेट को आया, मेरा प्रोडक्शन ने बोला कि टाइसन सर के लिए शूज नहीं मिल रहे किधर तो भी, क्योंकि उनका फुट का साइज 14 है. तो मैंने सोचा बहुत, आई हैव बिग फीट और मेरा साइज 10 है, तो और उनका 1.5 टाइम्स माई फुट साइज है. और उन्होंने सेट को आया और हाई किया और उनका रिस्ट इतना रहता है और उनका नेक तो मेरे और दो ऐड करना चाहिए, इतना बड़ा नेक है. और वो वाटरमेलन पूरा खा लिया. हाँ, तो तब थोड़ा डर लगा जब शूज नहीं मिला और उनका हाथ देखा और उनका नेक देखा तो ऐसा लगा कि कोई पंच ना लैंड हो. पर हुआ था रिहर्सल में, एक पंच लैंड भी हो गया. या लगा एक दिन, पूरा दिन माइग्रेन था. एक रिहर्सल में बाय मिस्टेक उसका पंच ऐसा मिस होना चाहिए था, पर हमारा पोजीशन थोड़ा क्लोज हो गया और पंच लैंड हुआ और ठप साउंड आउट हुआ ऑलमोस्ट. हाँ, मेरा बॉडी बोल रहा था कि गिर जाओ क्योंकि टाइसन मारा, नॉकआउट होना चाहिए, पर वुड हैव बीन ऑनर गेटिंग नॉक्ड आउट बाय माइक टाइसन. या बट समहाउ आई वाज स्टैंडिंग, आई डिडंट गेट नॉक्ड आउट, आई वाज स्टैंडिंग. सो तब मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल चला गया क्योंकि टाइसन ने मारा और मैं नॉकआउट नहीं हुआ, तो आई वाज रेडी टू फाइट एनीबडी. आई वाज लाइक कम Let's fight. Okay, but, so remember, yeah, remember not to mess with you now. Yeah. Okay.